कंटेंट वर्ल्ड पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है नेशनल पेंशन स्कीम पर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो ये स्कीम है ये है जो रिटायरमेंट इनकम है उसको प्रोवाइड करने के लिए सभी सिटीजन्स को। तो दोस्तों ये एक तरीके का एक पेंशन रिफॉर्म है। और जो हैबिट है सेविंग करने की जो रिटायरमेंट के लिए उसको लोगों के अंदर लाने के लिए दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम को या स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 को। इस स्कीम को सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था इनिशियली वो जो गवर्नमेंट के नए रिक्रूट्स थे उनके लिए। बट 2009 के अंदर इसमें सभी सिटीजन्स को इंक्लूड कर लिया गया, इंक्लूडिंग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं उनको भी ऑन वॉलंटरी बेसिस। दोस्तों जो इसके बेनिफिशरीज हैं वो रहेंगे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो सभी, ये रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। और अभी तो इसमें जो ओवरसीज सिटीजन्स इंडियंस हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है। और जो इसकी एज है वो है 65 साल तक। दोस्तों जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्लूड हैं, आर्म्ड सर फोर्सेस को छोड़कर। और जितनी भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके भी एम्प्लॉयज़ इसमें जो 1 जनवरी 2004 को या 2004 के बाद तक जिन्होंने ज्वाइन किया था वो सभी इसमें इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं या हैं। दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय हैं वो और जो स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो भी। दोस्तों जो डेट की जो है वो नोटिफाई की जाएगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा। और दोस्तों जो सिटीजन्स जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनका बैंक अकाउंट इंडिया में होना चाहिए। दोस्तों इसको एडमिनिस्टर किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। दोस्तों जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी सर्विस है कस्टमर की वो प्रोवाइड की जाती है एनपीएस के लिए किसके, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा। और ये है एक तरीके से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर एनपीएस के लिए। दोस्तों जो इसके सब्सक्राइबर हैं उनको एक यूनिक प्रान नंबर मतलब एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो पोर्टेबल मतलब कि कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पर उसको यूज किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अंदर प्रान के अंदर ये एक्सेस कर देगा दो पर्सनल अकाउंट्स के लिए। जो टायर वन अकाउंट है उसमें जो सेविंग्स होंगी वो रिटायरमेंट के लिए होंगी और वो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। और जो टायर टू अकाउंट होगा वो वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी होगी, मतलब जो इंसान जो बेनिफिशरी है वो वॉलंटरीली सेविंग्स करना चाहता है तो इसमें कर सकता है। बट वो इसको पैसे को जब चाहे निकाल सकता है बट इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा इस अकाउंट में। दोस्तों जो सब्सक्राइबर है वो कभी भी मतलब 10 साल के बाद या 65 साल की उम्र के बाद मतलब कि दोनों में से जो भी जल्दी आएगा उसमें वो एग्जिट कर सकता है। और जो टैक्स का स्टेटस रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा तीनों लेवल पर, यानी कि एंट्री लेवल पे, इन्वेस्टमेंट लेवल पे और मैच्योरिटी लेवल पे। पहले इसका स्टेटस ईईटी था मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, यानी कि दो स्टेज पर एग्जेम्प्ट था और तीसरी पर टैक्सेबल था। तो दोस्तों मतलब कि जो हेल्थ या मैरिज या हाउस या एजुकेशन के लिए पैसे जो पार्शली विड्रॉ कर किए जा सकते हैं बट जो 25% कंट्रीब्यूशन है उसको 3 साल के बाद निकाला जा सकता है अगर वो पैसा स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी मतलब जैसे स्टार्टअप या न्यू वेंचर के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको निकाला जा सकता है। और सरकार ने
कुछ छूट दे रखी है, जैसे कि हेल्थ, मैरिज, हाउस, एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे भी पैसा विड्रॉ किया जा सकता है कुछ अमाउंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।